भाई साहब, यहाँ से जरा सा भी फिसले तो सीधा उस खाई में, देख रहे हो बारिश हो रही है तेज ठंडी वाली। भाई अभी एक बुक चोरी हो गई, मेरा बैग गिर गया, कहीं भी पता नहीं कहाँ गिरा, ये पता नहीं है। लगभग 5-6 किलोमीटर और बचा है। मैं यहाँ एक चीज देख के रुक गया। भैया देख रहे कहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठ के आराम से सर्कल लगा रहे। मैं भी जाने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, यहाँ से जरा सा भी फिसले तो सीधा उस खाई में, देख रहे हो। बट वो जहाँ बैठे हैं भाई, वो भैया बैठ सकते हैं, तो जाके देखते हैं। रास्ता तो होना चाहिए और मुझे बहुत सही लग रहा है। ये यहाँ बैठे हैं भैया, भैया यहाँ से नीचे आने का रास्ता यही है क्या? मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ आप बैठे हो व्यू। अच्छा ठीक है, उधर से कहीं से बता रहे भैया रास्ता। ओ ये रहा रास्ता, मैं उधर जा रहा था, गलत रास्ते पे जा रहा। भाई जी से बात करते हैं और हो सकता है शायद एक और अपना ड्रीम पूरा हो जाए, एप्पल तोड़ के खाने वाला। भाई यार बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ओ भाई साहब, यहाँ भी एप्पल लग रहे हैं। ओ यहाँ से व्यू देखो भैया, पी रहे तो फॉर्म है। अच्छा ये एप्पल के से पेड़ सारे आपके हैं? मैं उधर से आ रहा था बाइक पे, देखा वहाँ कैसे बैठे हैं भैया। मैं कहा मैं भी एक बार जाके देखता हूँ। हाँ मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, दिल्ली से आया हूँ, अभी चितपुल जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ अभी तोड़ेंगे ये भी आपने? अभी तो नहीं तोड़े भैया, ये भी पके नहीं है आपके। अच्छा इन्हें वैसे तोड़ के फिर पकाते हैं बाद में? नहीं। अच्छा लाओ, थैंक यू। वैसे एक ही काफी है, मैं इतने सारे क्या करूंगा, खा लेना रास्ते में। चलो रखो रखो, एक खराब नहीं हुए ठीक है। नहीं नहीं खराब की बात नहीं है। ये देखो ना, अभी ये है रॉयल। अच्छा ये बनानी है? अच्छा हाँ, अभी ये कलर ही नहीं आया इनमें। अच्छा ये टाइडमैन वैरायटी है, ये जल्दी पक जाता है। अच्छा इसका छिलका पतला होता है ना। अच्छा आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर आप? बढ़िया भैया, आप भी यहीं रहते हो? कभी हमारा घर पर है, यहाँ से भी 2 किलोमीटर में। यहाँ कौन रहता है? यहाँ बस गए। मुझे लगा था सिर्फ उधर, क्या कहते हैं, उधर की तरफ ही होता है एप्पल। नहीं नहीं, सबसे हमारे किन्नौर में बहुत है एप्पल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसिंग एरिया बहुत है। अच्छा ये क्या नाशपति है? ये नाशपति, नाशपति भी उगती है? इसका तो हो गया हार्वेस्ट टाइम हो गया। अच्छा ये तो निकाल दिए, ये नाशपति जो है इसको निकालने के बाद, इसका हार्वेस्टिंग के बाद पकता है। अच्छा पहले पेड़ में नहीं पकेगा ये वाला। अच्छा इसको निकाल के जब तक ये मंडी पहुंचेगा ना, हाँ तब तक पक जाएगा। तब तक उसमें वो पेटियों में रख के कागज की पेटी, कागज डाल देते हैं, पक जाता है। ये नीचे नीचे तक है? नीचे तक है, नीचे तक। इसमें कम से कम 200+ एप्पल के प्लांट है। अच्छा मैं देख रहा भैया को डर नहीं लग रहा, यहाँ बैठे उधर से देखा मैंने देख के मेरे को भी लगा एक बार मैं भी जाके ट्राई करता हूँ। भैया ने ये एप्पल दिए खाने के लिए, मजा आया, ट्राई करूंगा मैं चितकुल में भी ऐसे जाने की। वहां से यार व्यू बहुत प्यारा था, बहुत ज्यादा, और आंटी भी बहुत ज्यादा स्वीट थी। अभी निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा लेट ना हो जाए। सामने पता नहीं यार कैमरे में दिखाई दे रहा होगा ना, देख रहा हूँ, बट कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, बहुत ही तगड़ा लग रहा है यार। एक सेकंड रुकने की ट्राई करता हूँ। ये देखो भाई कितना प्यारा वाटरफॉल है। मेरे ख्याल से जिस डैम के बारे में भैया बताया था वो डैम वहीं पे है, वो डैम से ही पानी छूट रहा है शायद, क्योंकि भैया ने बताया था थोड़ी आगे चल के एक डैम आएगा, चलते हैं वहाँ पे। लेकिन यार ये एक नंबर, बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज्यादा। चलो अलग अलग तरीके के बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं, ग्रीन एप्पल है, छोटे छोटे एप्पल है। ओ भाई साहब, एक तो यहाँ पे सारे में ये देख रहा
सब एप्पल के ट्री है, एप्पल ही एप्पल लगा पड़ा पूरा। कितने एप्पल है यार, कितने सारे एप्पल है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये तो कुछ नहीं है, ऊपर जो व्यू आ रहा है वैली का, वाह क्या व्यू है यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शिवाय बोलना शिव शंभु महाराज की जय। शुक्रिया भोलेनाथ, लोग सपने देखते हैं यहाँ पे अपनी बाइक राइड करके आने की, और मैं आ पाया। थैंक यू सो मच भोलेनाथ, शुक्रिया। बस सच्ची बताओ, भोलेनाथ का नाम लेके आ गया। और पिछली लास्ट ट्रिप भी जो मैंने करी थी लद्दाख की, वो भी बस भोलेनाथ का नाम लिया और निकल गया था। वरना बीच में ऐसे ऐसी सिचुएशन आती है, मुझे लगता है मैं अब नहीं कर पाऊंगा, अब बस खत्म है ट्रिप, इससे आगे नहीं कर पाऊंगा। बट हमेशा हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, भोलेनाथ कोई ना कोई रास्ता दिखाई देते हैं। बाकी अभी भी यहाँ से 21 किलोमीटर है, और 21 किलोमीटर का रास्ता ही एक घंटे का है, क्योंकि यहाँ पे 25 से ऊपर तो बाइक चल ही नहीं पा रही है, और रास्ता भी बिल्कुल ख़राब रास्ता है। आगे देखते हैं आगे कैसा रास्ता हो। मतलब उन भैया से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई, चितकुल से आगे भी एक जगह है जहाँ पे जाने देते नहीं है, वो कभी कभी खुलता है। तो वो बता रहे थे कि जन्माष्टमी पे खुला हुआ था, उस टाइम पे आते तो उस टाइम पे वहाँ जा सकते थे। बाकी देखते हैं, काश अगर अभी भी खुल रहा होगा तो हम ऊपर भी जाएंगे, चितकुल से और आगे जाएंगे। फिलहाल तो अभी टारगेट चितकुल है, चलते हैं चितकुल। यहाँ पे रोड और भी ज़्यादा नैरो हो गई है, बहुत बार ऐसी रोड पे ये होता है आमने सामने से अगर दो गाड़ी आई तो एक गाड़ी को बैक करना पड़ता है। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है मेरे को बाइक साइड में लगानी पड़ी है, बहुत तब भी बहुत बच के निकली है गाड़ियाँ, इतनी पतली पतली रोड भी है, कहीं पे थोड़ा बड़ी हो जाती है फिर से नैरो हो जाएगी, ऐसे ही है यहाँ पे की रोड। हाँ अगर आप पहले ऐसी रोड पे ट्रैवल कर चुके हो तो आपको इतनी खतरनाक लगेगी नहीं है, बट खतरनाक तो है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब उधर देख रहे हो, वहाँ पे वो चट्टान कभी भी टूट के गिर सकती है, इवन वो रोड इसमें क्रैक आ रहा है तो वो रोड भी कभी भी गिर सकती है टूट के। बाकी वैली का मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है, पीछे जो धूप थी वो अब खत्म होने लगी है, शाम का टाइम होने वाला है ना, 4 बज गए हैं तो धीरे धीरे ठंडक आने लगी है। ये देखो ये वाले क्रैक्स की बात कर रहा था, ये वाले क्रैक बताओ कभी भी पत्थर टूट के गिर सकते हैं ये, तो नो डाउट खतरनाक तो बहुत ज़्यादा है, बट देखो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, अगर कुछ हो रहा होगा तो आपके घर में भी हो जाएगा। तो अगर आपका मन है तो ट्राई करो, जाओ यार, सोलो में कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारा भाई कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बट हाँ अपने तरफ से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, अगर आपको कहीं भी लगे कि हाँ यहाँ पे सेफ्टी की दिक्कत है थोड़ी बहुत भी, तो वो चीज़ मत करना, बस आपको पता होना चाहिए आप सेफ हो, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप सेफली कर पाओगे तो गो अहेड कर लो, जाओ सोलो ट्रिप मारो यार, जिस मौसम में मन करे उस मौसम में मारो, करो सोलो ट्रिप। देख रहे हो जैसे वो सामने से ट्रक आ रहा है तो मुझे यहाँ पे रोकनी पड़ेगी। तो आराम से चलो, तो यही सीन है यहाँ पे, पहले से देखना पड़ता है भाई, दूर से अगर आ रहा है कोई बड़ा व्हीकल तो अपना साइड में लगा लो। मुझे लगता है बाइक चलाना तो इजी है, बट जो लोग गाड़ी चलाते हैं इस रोड पे वो पता नहीं कैसे चलाते होंगे। अब तक जो रोड थी उस पे साइड में ग्रिल थी, अब तो ग्रिल भी खत्म हो गई है, साइड में सफेद कलर के थोड़े थोड़े पत्थर रखे हैं। 6 किलोमीटर बचा है, 6 किलोमीटर बाद रक्षम आ जाएगा यहाँ से, और रक्षम से 10 किलोमीटर आगे पड़ेगा चितकुल। सामने मौसम थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, बस बारिश वारिश ना हो जाए, कि बारिश वारिश हुई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी भी मुझे 14 किलोमीटर जाना है, और पहाड़ का 14 किलोमीटर कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर बादल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मौसम ख़राब होगा, बाकी देखते हैं, ख़राब ना ही हो तो बढ़िया है। फिर से वरना मेरे को फिर सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, जूते वगैरह सब चीज़ें गीली हो जाएंगी, बड़ी मुश्किल में तो आज सूखी है। ओ भाई साहब क्या खतरनाक चट्टान है, इसके नीचे जाते हुए भी डर लग रहा है।
अरे भाई कितनी क्यूट है। तो भाई यहाँ से रक्षम स्टार्ट हो गया है और यहाँ से भी अभी आधा घंटा दिखा रहा है। यहाँ रक्षम में बहुत सारे हाउस लकड़ी से बने हुए हैं, देखो ये है मतलब लकड़ी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रखता है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं सारे। ये क्या चीज़ है मुझे एक बार कमेंट में करके बताना ज़रूर। एक चीज़ की खेती हो रखी है, ये किसी तरह का फूल है या फिर कोई सब्जी है क्या है, एक बार अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। मौसम बिगड़ता ही जा रहा है, 9.5 किलोमीटर बचा है बट आधा घंटा लगेगा चितपुल पहुंचने में। और रोड की कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, बस एवरेज रोड है तो इस पर ज़्यादा तेज भगा भी नहीं सकते। बस किसी तरह मेरे पहुंचने तक बारिश ना हो, मेरे पहुंचने के बाद बारिश हो जाए कोई बात नहीं, बट उससे पहले होगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी और अचानक से हुई तो मैं पूरा भीग ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने रेनकोट भी उतार दिया था। पीछे पूछा था तो भाई बोलता, कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पे बारिश बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैंने रेनकोट उतार दिया था क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बाकी अभी ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी है तो थोड़ा ठंड भी लगनी स्टार्ट हो गई है। अब बस जल्दी जल्दी मुझे ये 8-9 किलोमीटर जो बचे हैं वो क्रॉस करने हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और यहाँ पे कभी भी मौसम कैसा हो जाए पहाड़ों पे कोई भरोसा नहीं होता। तो जब बरसना स्टार्ट करता है तो भाई मैं रुकने का नाम ही नहीं लेता। कल भी मेरे साथ ऐसी हुआ था, नारकंडा में जब बारिश होनी स्टार्ट हुई तो भाई बहुत गंदी बारिश हुई थी, और नारकंडा से कितना 7 किलोमीटर पहले था मैं, वहाँ पे कितना मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता बचा था, और उस 15 मिनट के रास्ते में इतना बुरी तरीके से भीगा था मैं, मेरा आगे जाने का मन नहीं कर रहा था। तो वही वाली बात है, यहाँ भी लगभग 7-8 किलोमीटर बचे हैं, 8.5 किलोमीटर बचा है अभी, और यहाँ भी मौसम बिगड़ गया। अब इसमें भी बारिश हो जाएगी तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। जल्दी जल्दी चलते हैं यार। छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग भी है भाई ये, यहाँ तो वो वहां से बह के आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जहां से वो बह के आ रहा है। धूप निकल रही है बहुत सही, पर थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें गिर रही है मेरे हाथों पे। बारिश स्टार्ट होने ही वाली है और अभी 4 किलोमीटर बचे हैं, और मेरे जो ग्लव्स खोए थे उनकी वजह से ये देखो पूरे हाथ पे सनबर्न हो गया है, बहुत गंदा वाला। और दूसरी बात, आज पूरे उंगलियां है और ये यहाँ से हथेली है ये सब दुख रही है, तो ग्लव्स वापस ही ले जाके ले जाएंगे। बाकी ठंड वाले ग्लव्स ले सकते हैं वो, लेकिन राइडिंग में उनसे मज़ा नहीं आएगा। देखते हैं, अगर ज़्यादा ठंड हुई तो ठंड वाले ग्लव्स ले लूँगा। वो देखना भेड़ कहाँ से चल के आ रही है, ये देखो। तो आई थिंक वो जो घर दिख रहे हैं वहीं से स्टार्ट है चितपुल, चितपुल द लास्ट विलेज। कल वापस जाते हैं फुल बीच मारूंगा, यहाँ पे वैली में देख रहे हो मौसम ख़राब सा हो रहा है और बूंदे गिर रही हैं। वीडियो में शायद दिख नहीं रही होगी पर मेरे पर लगातार बूंदे गिर रही हैं और ये बारिश कभी भी तेज़ हो सकती है। फिलहाल अभी अपना 1.8 किलोमीटर बचा है हॉस्टल, उस हॉस्टल तक जाने के लिए 1.8 किलोमीटर जाना है, 5 मिनट का रास्ता बचा है और 5 मिनट में अपने हॉस्टल पहुँच जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर बारिश हो जाए थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार 3-4 मिनट का रास्ता बचा है, उसमें भी बारिश तेज होती है, मेरे साथ ही होता है, रास्ता जरा सा बचा है मैं फिर से भीग जाऊंगा। क्या देख रहे हो, रोड पे भी दिखनी स्टार्ट हो गई होगी। बाकी बाइक पे हूँ तो मुझे और ज़्यादा तेज़ लग रही है हमारी यार, आज नहीं भीगना चाहता मैं,
हॉस्टल कैसल किधर है भाई? बारिश हुई है तेज गंदी वाली, और अभी 600-650 मीटर बचा है हॉस्टल। आई लव चितकुल, कल आऊंगा तेरे पास फोटो खिंचवाने के लिए, बट अभी तो जाना है मेरे को। मैं गलत रास्ते पर आ गया शायद, यहाँ से फिर वापस जाओ भीगते हुए। अरे यार मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। लास्ट के 1-1.5 किलोमीटर में बारिश पड़ रही है, बताओ। अभी तक मैं अच्छा खासा आ रहा था वो, बट वो देखो वो वहां का व्यू, क्या सेक्सी व्यू है। जाते ही मुझे चाहिए एक बढ़िया सी चाय, देखते हैं हॉस्टल में चाय मिलेगी कि नहीं। कपड़े देख रहे हो गीले हो गए पूरे। किधर है जो हॉस्टल भैया? मेरे ख्याल से इस वाली रोड पे है, इधर से राइट जाना है 270 मीटर है। तो कहाँ है जो हॉस्टल? ये और दिक्कत है, हॉस्टल का नहीं पता किधर है। तो भाई भीगना ही पड़ेगा थोड़ी देर बारिश में। Bro, do you know where is Zostel? Zostel. Yeah, it's just right of it's a big building there. Okay. The balcony, the green one. Okay. Yes. This? Yeah, the green building. Yeah, this one? Yes. Okay. With the balcony. Okay, okay. Yeah. Okay, thank you. Outside, yeah. रिसेप्शन देखते हैं किधर है। बाइक रिसेप्शन, ये है रिसेप्शन, देखते हैं भाई हॉस्टल में बात करते हैं पहले तो। ओके फाइनली पहुंच गए। रुकने के बाद बारिश नहीं लग रही, वरना वैसे लग रही थी बहुत तेज। तो भाई हॉस्टल के रिसेप्शन में तो कोई है नहीं, यहाँ पे डिबेट करता हूँ तब तक। बट इतनी देर से बारिश हो रही थी तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई यार, अभी तक मैं बारिश को कोस रहा था कि बारिश क्यों हुई। बट अभी तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ फिर से, इधर इंद्रधनुष बहुत कम दिख रहा है फोटो में वीडियो में, बट भाई रियलिटी में ऐसे ही है। ये देखो ये जो जा रहा है रियलिटी में बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। क्या भाई कहाँ आते क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो भाई कहाँ बिजी थे? तुम्हारा काम तो यार रिसेप्शन पे है, तुम क्या कर रहे थे? नहा लग तो नहीं रहा, नहा रहे थे अच्छा पानी गिरना पड़ा अच्छा यार बालकनी में जाने का रास्ता है किधर से? मैं एक मिनट होके आऊँ जरा, वो इंद्रधनुष निकल रहा ऊपर से ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है ओके भाई, ऊपर से सर और अच्छा व्यू आएगा, बहुत हल्का हल्का सा दिख रहा है इंद्रधनुष, वीडियो में तो मेरे ख्याल से दिख ही नहीं रहा, बट एक नंबर लग रहा है रियल लाइफ रियलिटी में। बारिश भी यहाँ तेज होने लगी है। ओ एक व्यू इधर है और एक ये देखो बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है, वीडियो में दिख ही नहीं रहा। भाई अभी एक बकचोदी हो गया, मेरा बैग गिर गया कहीं भी, पता नहीं कहाँ गिरा ये पता नहीं है। तो अश्वरी अभी सामान उतार के वो बैग देखने जा रहा हूँ, तो चार्जर वगैरह सब है उसमें, पता नहीं क्या बकचोदी हो गई। चलो चलते हैं जल्दी। सांगला तक वापस आ गया हूँ रास्ते में, बट बैग नहीं मिल गया दे रहा। जो भी लोग जा रहे हैं सबसे पूछ रहा हूँ भैया आपने कोई बैग देखा है क्या, बैग मिला हो, बट पता नहीं यार मिल के नहीं रहा। बहुत तगड़ा नुकसान हो गया ट्रिप पे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही जा रही है। चला पहले ग्लव्स धोए फिर बाइक में दिक्कत हुई, बैग पे आ गया।
सांगला से वापस आ गया, सांगला से भी आ गया। बंदेरा और हो गया, वापस चितकुल जाना है। कोई नहीं यार, बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया, बहुत सारे सामान हो जो पता नहीं कब से जोड़ रहा था, मतलब ऐसा सीन था। मैं धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ के सामान इकट्ठा कर रहा था कि कभी मैंने एक ट्राईपॉड ले लिया, कभी मैंने गोरिल्ला पॉड ले लिया, कभी मोनोपॉड ले लिया, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। सबसे ज़्यादा दुखे मुझे मम्मी की मिल्टन की बोतल, मम्मी ने कहा था बोतल मत खोगा ही, खो दी वो तो चलो दोबारा दिला दूंगा, बट मम्मी क्या सोचेगी। कोई नहीं, चलो भाई चलते हैं और क्या। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रिप जा रही है मेरी ये वाली सोलो ट्रिप, बहुत ज़्यादा। हाँ तो भाई सीन ऐसा है, ये आज का कुछ हमारा हॉस्टल है, यहाँ पे एक भाई मिला है, उससे बातचीत हुई, तो उसने मुझे दो चार टिप्स दी हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो फुल ट्राई करेंगे। बाकी यहाँ आते आते मुझे 7 बज गए और बैग मेरा मिला नहीं है। एक बंदा मिला था रास्ते में, मैं पूछता हुआ आ रहा था वापसी में भी, तो एक बंदा मिला था, वो बोला, बता रहा था कि उसे मतलब लोग 4 बजे के आसपास एक बैग गिरा हुआ दिखा था, जो कि एक डंपर ट्रक वाला उठा के ले गया, तो बैग तो गया। तो दूसरी बात यह है, चितकुल साइड अगर आ रहा होता तो मिल भी जाता, क्योंकि मैं इधर से जितने भी गाड़ियाँ आ रही हैं सबसे पूछता हो जा रहा था कि भाई आपने कोई बैग देखा है क्या, कोई बैग मिला है क्या। बट मेरा नसीब, वो तो बंदा इधर से वापस जा रहा था और 4 बजे के आसपास में वहीं था, लगभग 14 किलोमीटर पहले था, तो उसे तभी मिला बैग और वो उठा के लेके चला गया। तो कम से कम ये सकून है मुझे पता लगेगा कि अब बैग मिलना नहीं है। एक बार उम्मीद चली जाती है तो फिर ठीक है, मना सबसे बुरी जो चीज़ होती है ना, दिल में एक उम्मीद बनी रहती है कि मिल जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छी चीज़ होती नहीं है। तो ठीक है, तब से दिमाग इतना ख़राब है। अभी मैं अपना बैग चेक कर रहा था, बाइक के पास गया था, बाइक की चाबी ढूंढने लगा, तो बैग इसमें क्या कहते हैं, इस वाले बैग में बाइक की चाबी नहीं मिलने पर दिमाग इतना फक हो गया ना भैंस की आँख की, बाइक की चाबी आ गई। फिर मुझे याद आया मैंने रेनकोट जो उतारा है, उसकी जो जैकेट थी उसकी जेब में हो सकती है, तो मैं एकदम भाग के आया हूँ, फिर इसमें से रेनकोट निकाला, उसमें जाके चेक करा, तब मुझे चाबी मिली, तब जाना जाना। तो मतलब दिमाग खराब हुआ हो रहा है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खराब हो पड़ा है। बाकी अभी मैंने कुछ खाना वाना ऑर्डर करा है, यहाँ से खाना वाना खाते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाय।